हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीडीयू मैसेस फील्ड्स के बारे में बात करेंगे। जब भी आप मल्टीपल स्विचेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो सभी स्विचेस एक दूसरे को बीपीडीयू सेंड करते हैं। फर्स्ट टाइम सभी अपने को सुपीरियर बीपीडीयू मान के चलते हैं, एज ए रूट ब्रिज मान के चलते हैं, लेकिन जैसे ही अपने अपने बीपीडीयू की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं तो जिस स्विच की लोवेस्ट ब्रिज आईडी होगी वो स्विच इलेक्ट हो जाता है एज ए रूट ब्रिज। इन सारे पॉइंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी स्विचिंग वाले पार्ट में कवर किया हुआ है। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं बीपीडीयू फील्ड्स के बारे में कि जो बीपीडीयू जा रहा है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है एंड टाइप ऑफ बीपीडीयूज, कितने टाइप के बीपीडीयू होते हैं, राइट? तो अगर बीपीडीयू टाइप की बात करें तो दो टाइप के बीपीडीयू हो गए, एक कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू होता है और एक टीसीएन बीपीडीयू होता है। कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू का मतलब ये हो गया कि रूट ब्रिज इलेक्ट होने के बाद, आप ऐसे समझिए कि जब एक स्विच रूट ब्रिज इलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में वो स्विच एवरी 2 सेकेंड, हर 2 सेकेंड में एक बीपीडीयू सेंड करेगा टूवर्ड्स द डोमेन। बट जो बीपीडीयू सेंड करेगा वो बीपीडीयू एवरी 2 सेकेंड में तो सेंड करेगा, बट अगर किसी भी तरह का टोपोलॉजी चेंज होता है, मींस अगर जो भी नॉन रूट ब्रिज स्विचेस हैं उसमें किसी भी तरह का टोपोलॉजी चेंज है, इस कंडीशन में जो नॉन रूट ब्रिज स्विचेस होते हैं वो एक टीसीएन बीपीडीयू जनरेट करते हैं टूवर्ड्स अपस्ट्रीम स्विच, अपने ऊपर वाले स्विच को, और स्विच उस जो टीसीएन बीपीडीयू की इंफॉर्मेशन है अपस्ट्रीम स्विच वो रूट ब्रिज तक फॉरवर्ड करेगा और फाइनली रूट ब्रिज उस टीसीएन बीपीडीयू की इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा एज ए फ्लैग और थ्रू आउट द डोमेन फॉरवर्ड कर देगा। तो ये बीपीडीयू दो आपको आइडिया लग गया कि एक कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू होता है, एक टीसीएन बीपीडीयू होता है। कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू जब भी आपस में स्विचेस एक दूसरे को बीपीडीयू सेंड करते हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू होता है। इसके बाद रूट ब्रिज इलेक्शन होने के बाद जब रूट ब्रिज एवरी 2 सेकेंड के अंदर बीपीडीयू जो सेंड करता है वो भी कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू है, बट अगर टोपोलॉजी में किसी भी तरह का चेंज है तो उसमें वो जो बीपीडीयू होता है उसको हम लोग टीसीएन बीपीडीयू बोलते हैं, राइट? अब बीपीडीयू को आप लेयर टू मैसेज भी बोल सकते हो क्योंकि ये स्विचेस के बीच में एक्सचेंज होता है, इसको आप लेयर टू मैसेज बोल क्या सकते हैं, लेयर टू मैसेज होता ही, राइट? देयर आर L2 फील्ड्स इन द कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू। अब कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू में फील्ड्स क्या होती हैं ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन होती, कौन सा प्रोटोकॉल में रनिंग पे है, STP प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, PBST यूज़ हो रहा है, PBST प्लस यूज़ हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन बीपीडीयू के अंदर होगी, मैसेज के अंदर होगी। वर्जन ऑफ STP का कौन सा वर्जन रनिंग में है, अगर आप देखेंगे तो एक सिंगल स्विच की मैंने जो पैकेट कैप्चर किया हुआ उसको स्क्रीनशॉट लगाया, ये देखिए प्रोटोकॉल आइडेंटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफायर है, प्रोटोकॉल वर्जन की इन्फॉर्मेशन है। बीपीडीयू टाइप की बात करें तो किस टाइप का बीपीडीयू है, कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू, आप ध्यान से देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू है। आफ्टर दैट बीपीडीयू फ्लैग की इन्फॉर्मेशन है, मैंने अभी आपको बोला ना कि टीसीएन बीपीडीयू होता है, मीन्स टोपोलॉजी कोई चेंज होता है नोटिफिकेशन, उसका फुल फॉर्म ही है टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन, तो उस बीपीडीयू को यहाँ पे जो ये फ्लैग लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आगे चल के हम देखेंगे टीसी बिट होती है, ठीक, टीसी एंड टीसी एक, तो ये जो बिट्स होती हैं इन बिट्स में चेंजेस होता है और इसी को एज ए फ्लैग इन्फॉर्मेशन रूट ब्रिज को मिलती है, रूट ब्रिज अपने जो बीपीडीयू है उसमें एज ए फ्लैग इन्फॉर्मेशन अटैच करता है और अटैच करने के बाद थ्रू आउट द डोमेन मीन्स जितने भी कनेक्टेड स्विचेज हैं सबके लिए वो बीपीडीयू के इन्फॉर्मेशन सेंड कर देता है, जो भी टोपोलॉजी चेंज के नोटिफिकेशन है वो, राइट? आफ्टर दैट रूट ब्रिज आईडी तो उसे ही बोलते हैं कि जो स्विच की आईडी होती है, मतलब आपको रूट ब्रिज आईडी आप ऐसे समझिए, एक होती ब्रिज आईडी, एक होती रूट ब्रिज आईडी। जब स्विच एज ए रूट ब्रिज इलेक्ट हो जाएगा तो उसको आप बोलोगे रूट ब्रिज आईडी, और अगर स्विच की अपनी खुद की आईडी है तो उसको बोलेंगे ब्रिज आईडी, राइट? तो अभी आप ऐसे समझिए कि स्विच पे दो इन्फॉर्मेशन मिलेंगी बीपीडीयू मैसेज के अंदर। अगर सिंगल स्विच है, आप यहाँ पे देखोगे तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि ब्रिज आइडेंटिफायर, ब्रिज आईडी की इन्फॉर्मेशन क्या है, और रूट आइडेंटिफायर, रूट ब्रिज आईडी की इन्फॉर्मेशन क्या है, दोनों की सेम दिखा रहा है। ये देखो रूट ब्रिज आईडी, मतलब स्विच कह रहा है कि मैं ही रूट ब्रिज हूँ। अगर आप सिंगल स्विच पे
पैकेट कैप्चर करेंगे और देखेंगे, क्योंकि स्विच ने अभी बीपीडीयू एक्सचेंज किए नहीं, तो उसको सुपीरियर बीपीडीयू का आइडिया नहीं, इसलिए वो अपने को ही एज ए सुपीरियर बीपीडीयू मान के चल रहा है। तो रूट ब्रिज आईडी जो रूट आइडेंटिफायर है एंड जो सेंडर ब्रिज आईडी जिसको आप बोलेंगे, इन दोनों आईडीज यहाँ पे सेम दिख रहे हैं। लेकिन अगर आफ्टर इलेक्शन की बात करें तो रूट आइडेंटिफायर में आपको रूट ब्रिज आईडी मिलेगी और ब्रिज आइडेंटिफायर के अंदर आपको उस सिंगल लोकल स्विच जिस पे आपने कमांड चलाई है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ब्रिज आईडी में इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये जो लिखा हुआ 32768 ये बाई डिफॉल्ट प्रियोरिटी है। 1 क्या है, वीलैन नंबर है, राइट, और ये मैक एड्रेस है। इनिशियली देखा जाए तो अगर वीलैन 1 की बात करें तो स्विच के अंदर जो पोर्ट्स होते हैं वो बाई डिफॉल्ट वीलैन 1 में होंगे, उसका प्रायोरिटी भी आपका 32768 होगा। इस कंडीशन में जो भी रूट ब्रिज का इलेक्शन होता है वो लोवेस्ट मैक एड्रेस के बेस पे हो जाता है, राइट, वही बन जाएगी लोवेस्ट ब्रिज आईडी। ओके, तो रूट पाथ कॉस्ट की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड होती है। सेंडर ब्रिज आईडी मींस जिसने जो बीपीडीयू सेंड कर रहा है उसकी ब्रिज आईडी क्या है। सेंडर पोर्ट आईडी की भी इंफॉर्मेशन होगी। मैसेज एस टाइम है, मैक्सिमम एस टाइम क्या है उसका, कितने सेकंड तक, देखो हेलो टाइम कितना है 2 सेकंड, मैक्स एस टाइम कितना है, ठीक, फॉरवर्ड डिले टाइम कितना है 15 सेकंड, राइट। अब आगे चल के हम जब बीपीडीयू के अंदर जब पोर्ट पे मैसेजिंग की बात करेंगे, लिसनिंग लर्निंग फॉरवर्डिंग, वो एक अलग पार्ट हो गया, ठीक, उसको डिटेल से, अभी केवल और केवल हम बीपीडीयू पे फोकस करते हैं, उसकी फील्ड्स पे फोकस करते हैं, राइट। वर्किंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू, भाई कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू एंड टीसीएन बीपीडीयू, तो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू की हेल्प से आप क्या करते हो, रूट ब्रिज का इलेक्शन कर लेते हो। रूट ब्रिज के बाद आरपी का इलेक्शन होगा, डीपी का इलेक्शन होगा। आरपी रूट पोर्ट मैंने आपको बोला है कि जो नॉन रूट ब्रिज इलेक्ट होंगे उन सब पे सिंगल पोर्ट आरपी होगा, राइट। और जो आपका रूट ब्रिज इलेक्ट होगा, मतलब जिस जो स्विच एज ए रूट ब्रिज इलेक्ट हुआ उसके सभी पोर्ट क्या होंगे, डीपी होंगे, इस बात को माइंड में रखना है। उसके बाद में रूट ब्रिज जो डिवाइस है, आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो करा स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू विद द ईच अदर, ये तो मैं बात कर चुका हूँ। द स्विच जनरेटेड हैविंग द लीस्ट ब्रिज आईडी, मींस रूट ब्रिज वही बनेगा जिसकी ब्रिज आईडी सबसे लोवेस्ट होगी, राइट। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द रूट ब्रिज रेस्ट ऑफ द कनेक्टेड स्विचेस विल नॉट रूट ब्रिज, राइट। एक इलेक्शन के बाद में एक स्विच रूट ब्रिज बनेगा, बाकी सारे स्विचेस आपके क्या बन जाएंगे, नॉन रूट ब्रिज बन जाएंगे। ओके, राइट, अब फील्ड्स पे आ जाते हैं, वन बाय वन फील्ड्स के बारे में बात करते हैं कि बीपीडीयू मैसेज के अंदर जो मल्टीपल फील्ड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोकॉल फील्ड की। तो प्रोटोकॉल फील्ड के अंदर आप आओगे तो वहाँ पे आपको दिखाएगा, इनिशियली स्विच पे अगर आप हो तो एसटीपी दिखाएगा, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इनेबल है, राइट। और जो प्रोटोकॉल फील्ड है उसका जो साइज है वो क्या है, वो 2 byte का साइज है। 2 byte मीन्स 8+8 16 bit, राइट। आफ्टर दैट प्रोटोकॉल वर्जन की बात करें या मोड ऑफ एसटीपीज की बात करें, राइट, तो आपको एसटीपी के अंदर पीवीएसटी की बात होगी, आरएसटीपी की बात होगी, राइट। और इसका जो पीवीएसटी आरएसटीपी का जो फील्ड का साइज है वो क्या है, 1 byte है। 1 byte मीन्स 8 bit का साइज है। मैं बात कर रहा हूँ अभी सिस्को प्रोप्राइटरी में, अगर मैं ओपन स्टैंडर्ड में जाऊँगा तो आपको पता है कि एसटीपी की जगह सीएसटी प्रोटोकॉल यूज़ होता है, कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, राइट, अदर वेंडर डिवाइसेस की अगर बात करेंगे। ओके, अब बीपीडीयू टाइप के बारे में बात करते हैं। अब बीपीडीयू मैसेज जो जा रहा है उसमें ये भी होगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू है या टीसीएन बीपीडीयू, इसकी इंफॉर्मेशन भी होगी, राइट। अदरवाइज आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि ये अपडेट करने वाला टोपोलॉजी चेंज हुआ है उसका बीपीडीयू है या हमारा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू है जो स्विचेज आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, राइट। बिफोर रूट ब्रिज इलेक्शन से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि रूट ब्रिज इलेक्शन के बाद केवल और केवल रूट ब्रिज ही बीपीडीयू फॉरवर्ड करेगा टूवर्ड्स द टोपोलॉजी, राइट। ओके, इसका जो साइज होता है टीसीएन या कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू का 1 byte हो गया। अब बीपीडीयू फ्लैग की बात करते हैं। प्रीवियस में मैंने आपको बताया था कि फ्लैग के अंदर एक टीसी बिट होगी, राइट, टोपोलॉजी चेंज बिट, और दूसरी होगी टीसी एक बिट, टोपोलॉजी चेंज एक्नॉलेजमेंट बिट।
तो टीसी बिट एंड टीसी एक बिट, ये दोनों ही बिट्स के बारे में बात करेंगे। लिखा है कि बोथ बिट्स डिफॉल्ट सेट टू जीरो। आपने भी प्रीवियस में मैंने स्विच पे जो पैकेट कैप्चर करके लगाया था उसमें बिट क्या दिखा रही थी, जीरो। साइज ऑफ द फील्ड इज 1 byte, बट जैसे ही टोपोलॉजी में किसी भी तरह का चेंज होगा तो ये जीरो से बिट क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ओके, पैकेट आप कैप्चर करोगे तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट फील्ड है रूट ब्रिज आईडी। मैंने आपको बताया कि रूट ब्रिज आईडी क्या, एक होती ब्रिज आईडी, एक रूट ब्रिज आईडी। इनिशियली स्विच जो है उसके पास ब्रिज आईडी भी उस वही सेम है और रूट ब्रिज आईडी भी सेम है, मतलब दोनों सेम होंगी, ब्रिज आईडी एंड रूट ब्रिज आईडी। बट जब सभी बीपीडीयूज एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे को तो स्विच को यह पता चलेगा कि सुपीरियर बीपीडीयू कौन सा है। सुपीरियर बीपीडीयू मीन्स जिस स्विच की ब्रिज आईडी लोवेस्ट होगी वो सुपीरियर बीपीडीयू हो जाएगा। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई है मैंने कि प्रायोरिटी कितना होता है, 32768। बेस मैक एड्रेस ऑफ द स्विच, भाई स्विच के अंदर एक दो मेरे पास मैसेजेस पड़े कि स्विच का अपना भी मैक एड्रेस होता है, राइट। आप इस चीज़ को बहुत फोकस करिए, स्विच के जितने भी पोर्ट्स हैं हर पोर्ट का तो अपना मैक एड्रेस होता ही, लेकिन स्विच का अपना खुद का मैक एड्रेस जो होता है उसको बोलते हैं बेस मैक एड्रेस, राइट। उसी के बेस पे इलेक्शन होता है रूट ब्रिज का, और इसका जो साइज होगा वो 8 byte का होगा, मीन्स जो रूट ब्रिज आईडी होगी वो 8 byte की होगी। रूट पाथ कॉस्ट आरपीसी के बाद इंडिकेट्स द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम नॉन रूट ब्रिज स्विच टू रीच द रूट ब्रिज स्विच, मीन्स नॉन रूट ब्रिज जो स्विच एज ए रूट ब्रिज इलेक्ट नहीं हुए हैं उन स्विचेस से रूट ब्रिज तक पहुंचने की, रीच करने की जो कॉस्ट है उसको बोलेंगे आरपीसी, रूट पाथ कॉस्ट, क्योंकि रूट तक जाने की जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होगी। इस फील्ड जो है, इस फील्ड में जो इसका साइज है वो 4 byte साइज होगा, राइट। नेक्स्ट आ जाता है सेंडर ब्रिज आईडी। सेंडर ब्रिज आईडी मतलब जिस स्विच से बीपीडीओ की इंफॉर्मेशन हमने रिसीव की है तो उसकी ब्रिज आईडी क्या है, मतलब किसी ने हमको बीपीडीओ भेजा है तो उसकी ब्रिज आईडी क्या होगी, राइट। या मैं किसी को बीपीडीओ सेंड कर रहा हूं तो सेंडर मैं हुआ, तो मेरी जो ब्रिज आईडी होगी वो बोली जाएगी सेंडर ब्रिज आईडी, राइट। दिस फील्ड इंडिकेट्स द ब्रिज आईडी ऑफ एनी एसटीपी स्विच, ठीक है, एंड द साइज होगा 8 byte का। इंपॉर्टेंट पॉइंट सेंडर पोर्ट आईडी। सर ये सारी फील्ड्स हैं, मतलब सोचिए बीपीडीओ की जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही, जो बीपीडीओ मैसेज जा रहे हैं उस मैसेजेस के अंदर इतनी सारी फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स के बेस पे ही तो सारा इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, राइट। जो आपके आरपी बन रहे हैं, डीपी बन रहे हैं, लेकिन आरपी डीपी के बाद फिर अल्टरनेट पोर्ट क्रिएट हो रहा है। अल्टरनेट पोर्ट मीन्स अगर आपके यहाँ टोपोलॉजी में किसी भी तरह की कोई लूपिंग हो रही है तो अल्टरनेट पोर्ट क्रिएट होगा और वो पोर्ट ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो डिसाइड हो रही हैं, ये सारी चीज़ें जो फिक्स हो रही हैं वो इसी बेस पे फिक्स हो रही हैं कि जो बीपीडीयू की मल्टीपल फील्ड्स हैं इसमें जो इन्फॉर्मेशन है इसी के बेस पे ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। ओके, सेंडर पोर्ट आईडी की बात करें तो पोर्ट बोलिए या इंटरफेस आईडी बोलिए आप एसटीपी, ठीक है। पोर्ट आईडी का मतलब ये हो गया कि आप प्रायोरिटी ऑफ द इंटरफेस की बात करें, आप जब चेक करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा पोर्ट आईडी। सो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जब आप चलाते हो तो वहाँ पे पोर्ट आईडी आपको मिलेगी 128.1। इसका मतलब जो इंटरफेस चेंज भी हो सकती, इंटरफेस की जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी है 128, और 1 क्या है, 1 है आपका पोर्ट नंबर। इसे 0x1, 0x2, 0x3 आप करते हो, जैसे ये देखो FA0x1, तो ये जो 1 है, अगर ये 0x2 होता तो यहाँ 128.2 होता, राइट। तो इसका जो साइज है, टोटल साइज है वो 2 byte, मीन 16 bit का साइज है सेंडर पोर्ट आईडी का। तो सेंडर पोर्ट आईडी का भी आइडिया लग गया आपको। मैसेजेस के बारे में बात करें, इट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ द बीपीडीयू जनरेटेड फ्रॉम द रूट ब्रिज। रूट ब्रिज से जो बीपीडीयू जनरेट होता है, ठीक है, जो कि एवरी 2 सेकेंड में जनरेट होता है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं मैसेज एज, ठीक। अब मैक्सिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज समझने की जरूरत है। इट इंडिकेट्स दैट हाउ मच टाइम बीपीडीयू विल स्टोर्ड इन द स्विच आफ्टर रिसीविंग। तो डिफॉल्ट टाइम इज 20 सेकेंड। इसको आप थोड़ा सा समझो, जैसे एक स्विच है उसके पास में एक बीपीडीयू, सुपीरियर बीपीडीयू की इंफॉर्मेशन आ गई, राइट। तो वो सुपीरियर बीपीडीयू की इंफॉर्मेशन हटने में, सपोज उस टाइम पे सुपीरियर बीपीडीयू पहले कोई और था
बाद में सुपीरियर बीपीडीयू चेंज हो गया, तो वो जो स्विच है उस पर अपडेट होने में, क्योंकि उसका मैक्सेस टाइम जो है वो कितना है 20 सेकेंड का। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ डिस्कस भी किया है कि एक स्विच पे आपका जो पोर्ट होता है, जैसे वो लिसनिंग लर्निंग स्टेट्स के बारे में अगर आपको पता होगा कि जो पोर्ट होता है वो सबसे पहले आपका डिसेबल होता है, और अगर लूपिंग क्रिएट हो रही होगी तो ब्लॉक स्टेट में जाएगा, अदरवाइज लिसनिंग लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग। तो लिसनिंग लर्निंग का 15 सेकेंड टाइम लेता है, राइट? तो 15 सेकेंड ये तो हो गया 30 सेकेंड। लेकिन अगर पहले से स्विच के पास सुपीरियर बीपीडीयू इंफॉर्मेशन है, देन फिर 20 सेकेंड का डिले और होगा, राइट? बिकॉज ऑफ मैक्सिमम एस टाइम जो होता है, मैक्स एस टाइम होता है, ओके? और ये आई थिंक आपको आइडिया लग गया मैक्स एस टाइम कितना हो गया, 20 सेकेंड का। ये मैंने डिटेल बहुत वीडियोज के अंदर जब बात की है स्विचिंग में, तो इस पर बहुत डिटेल से बात की, 2 बाइट, ओके? तो मैक्सिमम एज का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि जो सुपीरियर बीपीडीयू वाली बात यहाँ पे होगी, कि अगर पहले से इंफॉर्मेशन एक बीपीडीयू की है जो कि सुपीरियर है, और सुपीरियर बीपीडीयू चेंज होता है तो वो 20 सेकेंड का टाइम लेगा। इसलिए मैंने कई जगह पे देखा है कि डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज एंड इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज के बारे में मैंने आपको बताया होगा। डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज का मतलब ये होता है कि स्विच पे अगर अल्टरनेट पोर्ट प्रेजेंट है, राइट? तो सपोज रूट पोर्ट डाउन हो गया और स्विच का अल्टरनेट पोर्ट प्रेजेंट है, तो उसको डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज बोलते हैं। इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज का मतलब ये हो गया कि स्विच पे किसी भी तरह का अल्टरनेट पोर्ट प्रेजेंट नहीं है, जो अल्टरनेट पोर्ट है वो अदर स्विच पे है। तो इस कंडीशन में ये जो 20 सेकेंड वाला टाइम लग रहा था, तो 30 प्लस 20 इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज के अंदर वो 50 सेकेंड का टाइम हो जाता है। समझने के लिए आप बहुत डिटेल से लैब के साथ समझना है, तो वीडियो वाले स्विचिंग के वीडियो के पार्ट में कवर कर रखा है। बीपीडीयू टाइमर्स की अगर हम बात करें, तो बीपीडीयू टाइमर में आपको पता है कि रूट ब्रिज इलेक्शन के बाद हर 2 सेकंड के अंदर सारे जो रूट ब्रिज स्विच है वो बीपीडीयू सेंड करता है, राइट? और साइज होता है 2 बाइट का। फॉरवर्ड डिले टाइमर, इट इंडिकेट्स दैट हाउ मच टाइम ऑफ एसटीपी पोर्ट स्पेंड इन द लिसनिंग स्टेट। ये बिल्कुल वही है जो अभी प्रीवियस में मैंने आपको बताया कि लिसनिंग और लर्निंग एक पोर्ट है, वो पोर्ट सबसे पहले जब आप केबल भी नहीं कनेक्ट करते हो तो डिसेबल स्टेट में, आफ्टर दैट जैसे ही केबल कनेक्टिविटी करते हो उसको, स्विच को टोपोलॉजी का पार्ट बनाते हो, एट दैट टाइम वो पोर्ट या तो ब्लॉक स्टेट में जाएगा, अगर लूपिंग हो रही होगी तो ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा, और अगर लूपिंग नहीं हो रही है तो पोर्ट लिसनिंग देन लर्निंग देन फॉरवर्डिंग, मतलब लिसनिंग का 15 सेकेंड, लर्निंग का 15 सेकेंड एंड देन फॉरवर्डिंग स्टेट में आएगा। तो लिसनिंग लर्निंग का जो 30 सेकेंड टोटल है उसी को टोटल टाइम बोला है, उसी को बोला है फॉरवर्ड डिले टाइमर, ओके? और इसका जो साइज है वो 2 बाइट का है, मीन्स 16 बिट का है, ओके? लास्ट में मैंने आपको वो सारी फील्ड्स का कैप्चर करके भी दिखाया, क्योंकि रूट ब्रिज ये देखिए यहाँ से ध्यान से, तो इधर लास्ट में मैंने ये पूरी कैप्चरिंग की है, जिसमें आपको अब प्रोटोकॉल की फील्ड है, उसके बाद वर्जन की फील्ड है, बीपीडीयू टाइप कौन सा है, कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू की बात हो रही, अब देखिए बीपीडीयू फ्लैग की बात हो रही, तो यहाँ पर आपको टीसी 1 बिट भी है 0, और उसकी टोपोलॉजी चेंज की भी बिट है, कोई चेंज नहीं हुआ इसीलिए यहाँ पर ये क्या है 0 बिट और 9 लिखा हुआ है। रूट आइडेंटिफायर मीन्स रूट ब्रिज आईडी की इंफॉर्मेशन, राइट? जिसमें प्रायोरिटी की इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपका जो भी क्या बोलते हैं रूट ब्रिज आईडी सिस्टम आईडी मतलब वीलैन की इंफॉर्मेशन है, और मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही सेम रूट ब्रिज आईडी मीन्स रूट ब्रिज स्विच की बात हो रही, ब्रिज आईडी मीन्स अपने लोकल स्विच पे बात हो रही, ओके? ये सारी फील्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो बीपीडीयू काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर लिया, मैंने आपको केवल बीपीडीयू फील्ड्स के बारे में एक आइडिया दिया है। बाकी अगर एसटीपी की आपको डिटेलिंग करनी है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, तो आप सीसीएनपी स्विचिंग का कंप्लीट प्लेलिस्ट है, मुझे लगता है उसमें आपके मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। अगर आप कवर करेंगे तो स्विचिंग से रिलेटेड इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं, राइट? तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें अगर आपको लगता है कि वीडियो ठीक है, तो थैंक यू।